रुड़की में इब्राहिमपुर गांव के पास खनन से भरे डंपर को वन कर्मियों ने चेकिंग के दौरान रोक लिया। डंपर चालक के पास आवश्यक कागजात नहीं मिलने पर डंपर जब्त कर लिया गया। वहीं डंपर चालक ने वन कर्मियों पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उससे पैसे की डिमांड की, जिसमें 50,000 वन कर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करवाने के बाद देने की बात हुई। डंपर चालक का आरोप है कि वन कर्मियों ने देर रात गाड़ी पकड़कर खड़ी करवाई और सुबह तक 20,000 और लेने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद वाहन चालक ने अपने परिजनों को बुलाया। इस बीच दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी का आरोप है कि वन विभाग की टीम पर खनन कारोबारियों ने लाठी डंडों से हमला किया है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच में दोषी कौन पाया जाता है। 2 बजे मेरे इन्होंने गाड़ी पकड़ी, 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब 50,000 का हुआ, मैंने कहा 20,000 रुपया भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें, मानने नहीं 20,000 रुपया जो पर इन्होंने मेरा वो हाल रखा जलूस काट के, मैंने हाथ जोड़े लिए, मिन्नत करी, खुदामन करी साहब, मुझे इन्होंने बिल्कुल ठोड़ मार दिया मेरे, अब जाके वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया मेरे नाम तैयारी दे रहे साहब, इतना बुरा हाल इन्होंने मेरा किया। तो उसके बाद 5:15 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींच तान करके इनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा नहीं कर सके। तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उस गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया, तो हम एकदम से जो है उसके पीछे रहे, उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद फिर हम जब देखा तो हम यहाँ तहरीर लिखवाने गंग नहर को कोतवाली आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।